हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। आज मैं आप लोगों के साथ बेसन के चीले की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां मैंने लिया है 1 कप बेसन, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, लहसुन पेस्ट और पानी। अब मैं बेसन में हल्दी, मिर्ची, नमक और लहसुन पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं पानी डालकर चीले का बैटर तैयार कर लूंगी। यहाँ मेरी बैटर रेडी हो गई है। ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। यहाँ मैंने तवा को ग्रीस कर लिया है। अब मैं इस पे 1 कलछी चीले का बैटर डालकर इसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और इसे लो फ्लेम पे पकाऊंगी। जब ये एक तरफ से पक जाएगी तब इसे फोल्ड कर दूंगी। और इसे ऐसे ही चिपका लेना है ताकि ये खुले नहीं। यहाँ हमारे चीले रेडी हो गए। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें सरसों के दाने डाल दूंगी। यहाँ सरसों के दाने चरक गए हैं। मैंने 2 लाल मिर्च डाल दिया है। अब इसे भी अच्छे से पका लूंगी और जब ये पक जाएंगे तब मैं इसमें लहसुन और टमाटर का पेस्ट डालकर लो फ्लेम पे भून लूंगी। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर इसे भी भून लूंगी।
मैं सारे मसालों को ढक के लो फ्लेम पे पका लूंगी। यहाँ सारे मसाले पक गए हैं, अब मैं इसमें सरसों का पाउडर डाल दूंगी और इसे भी मसालों के साथ भून लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालकर उसे भी मसालों के साथ मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें पानी डालकर इसे हाई फ्लेम पे ढक के 5 मिनट के लिए पका लूंगी। पानी आप अपने अंदाजा से डालें, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना ही पानी डालें। यहाँ हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें जो चिले के टुकड़े हैं, अब मैं इसे डाल दूंगी। उसके बाद इसे 1 मिनट तक पका लूंगी। उसके बाद मैं इसमें धनिया का पत्ता ऐड कर दूंगी और उसे भी ढक कर कुछ सेकंड के लिए छोड़ दूंगी और हमारी चीले की सब्जी रेडी हो जाएगी। और यहाँ हमारी यम्मी चीले की सब्जी रेडी हो गई है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।